जय भीम। कृपया हा व्हिडिओ स्किप करू नका आणि पूर्ण बघा। या व्हिडिओमध्ये आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ओरिजिनल आवाजातील मला बुद्ध धर्म का आवडतो यावर दिलेले त्यांचं भाषण आपण ऐकणार आहोत। तसंच विलास खरात यांनी बौद्धमय भारताचा खरा इतिहास यावर केलेले संशोधन त्यांच्या शब्दात आपण बघणार आहोत। जर तुमची बाबासाहेब आंबेडकरांवरती खरंच श्रद्धा असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघाल, नाहीतर जर तुम्हाला प्रतिक्रांतीवाद्यांचे व्हिडिओ बघायला आवडत असतील तर तुम्ही हा व्हिडिओ कदापिही बघू नका। आंबेडकरवादी असाल तरच हा व्हिडिओ बघा, नाहीतर प्रतिक्रांतीवाद्यांना समर्थन देत बसा। मला बौद्ध धर्म आवडतो, सुरुवात करूया। बौद्ध धर्म मला प्रज्ञा शिकवितो, तो अंधश्रद्धा शिकवित नाही। तो मला प्रज्ञा, करुणा आणि समता ही तीन तत्वे शिकवितो। देव किंवा आत्मा समाजाचा उद्धार करू शकत नाही। मार्क्सवाद साम्यवाद यांनी जगाचे सर्व धर्म हादरून टाकले आहेत। बुद्ध हाच कार्ल मार्क्सला पूर्ण उत्तर आहे। रशियन साम्यवादाचा उद्देश रक्तरंजित क्रांती घडवून आणणे हा आहे। बुद्ध प्रणित साम्यवाद हा रक्तहीन क्रांती घडवून आणतो। बौद्ध देशांनी साम्यवादा ऐवजी बौद्ध धम्मानुसार राज्य चालवावे। कार फेस्टिवल देखा था, वही कार फेस्टिवल आज भी जगन्नाथपुरी में बरकरार है। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि परंपरा को ब्राह्मण नष्ट नहीं कर सके, वो परंपरा आज भी जगन्नाथपुरी में उपलब्ध है। दूसरा उन्होंने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जाति व्यवस्था छुआछूत इसको महत्व नहीं दिया जाता, और आज भी अस्थियों की पूजा वहां होती है और अस्थियों की पूजा ब्राह्मण धर्म में अपवित्र मानी जाती है। तो ये निर्विवाद रूप से बौद्धों की परंपरा है, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बैकग्राउंड बताकर विठोबा का संदर्भ देते हुए ये इस शब्द में बताया कि बौद्ध धर्म से पैदा हुआ अन्य एक त्रिरत्न का प्रतीक विठोबा और उनकी दो बीवियां रुक्मिणी और सत्यभामा है। जो वर्तमान में पांडुरंग का मंदिर है वहां भी तीन मूर्तियां हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में तीन मूर्तियां हैं, उसी तरह पांडुरंग के मंदिर में भी तीन मूर्तियां हैं। तो उन्होंने आगे ये कहा कि विठोबा की मूर्ति खड़ी है और उसके दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं। ब्राह्मण लोग इस तरह के मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन विठोबा के वारकरी विठोबा को कृष्ण समझते हैं और विठोबा की दो पत्नियों को वो रुक्मिणी और सत्यभामा मानते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने विठोबा के संदर्भ में आगे ये बताया कि डॉक्टर स्टीवनसन ने पहली बार ये सिद्ध किया कि बौद्धों का उत्सव साल में जिस महीने में शुरू होता है उसी महीने में विठोबा का उत्सव शुरू होता है। यानी जो धम्म वर्षवास जो होता है वो वर्षवास को ही महाराष्ट्र के लोग आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। विठोबा के दो मुख्य उत्सव है। बौद्ध वर्षवास शुरू होने के चार दिन पहले विठोबा का एक उत्सव शुरू होता है और वर्षवास खत्म होने के चार दिन बाद विठोबा का दूसरा उत्सव शुरू होता है। इस तरह बौद्धों के संपूर्ण वर्षवास के कालखंड में विठोबा का उत्सव आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा तक निरंतर जारी रहता है। आषाढ़ी के पूर्णिमा को पंचदशम शुद्धि कहा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक शुद्धि कहा जाता है, और उसके चार दिन पहले मतलब शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी शुद्धि कहा जाता है। तो उन्होंने ये वहां जो स्तूप मिला बेतनगर का, जो अवशेष मिला, उसके साथ क्लब करके उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया। ये दूसरा और अकाट्य प्रमाण हो गया, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण ये है कि 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया तो उसका परिणाम बहुजन लोगों में तो बहुत हुआ,
मगर बहुजन समाज के अलावा जो ब्राह्मणों में सो पॉइंट विद्वान होते थे उनके ऊपर भी उसका बहुत गहरा असर हुआ। एक तो उनके अंदर डर पैदा हुआ, उनको ऐसा डर सताने लगा कि अगर बुद्धिज्म ऑल इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर फैला देंगे तो उनको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने हिंसा के द्वारा खत्म किया है। तो एक बड़े ब्राह्मण विद्वान है जिसका नाम है अनंत रामचंद्र कुलकर्णी, कुलकर्णी। इसने 1956 को धम्म पद मराठी में अनुवादित किया। ये काम ब्राह्मण ने क्यों किया ये सोचने वाली बात है। धम्म पद का 1956 को अनुवाद किया गया ये बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर की बात की ब्राह्मण की प्रतिक्रिया है। और उस धम्म पद की मराठी एडिशन को अनंत रामचंद्र कुलकर्णी ने विस्तारित प्रस्तावना में उन्होंने इस बात को खुले तौर पर ब्राह्मण विद्वान ने इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया कि बुद्ध को भगवान कहते हैं और बुद्ध ही भगवान है, भगवान से भगवान बना है। और वारकरी लोग जो है वो भगवान ध्वज को हाथ में पकड़कर वो पैदल पैदल यात्रा करके पंढरपुर जाते हैं। वारकरी लोग यानी नॉन मैंगल लोगों के हाथ का भगवान ध्वज और बुद्ध का नाम ही भगवान है। भगवान यानी जिसने सारे विकारों पर जीत हासिल कर लिया वो महापुरुष, तो उससे भगवान शब्द बना है। तो वारकरी लोग जो भगवान शब्द का भगवा जो इस्तेमाल करते हैं वो बुद्ध से आया है ये बड़ा कुलकर्णी ने मान्य किया।